तो स्वागत है आपका डीजे डेवल राइडर्स चैनल में। तो आज फिर से हम आ गए हैं टाइम मोटर्स पे, जो कि हमारे सिलवासा में है। अगर आप गुजरात के सिलवासा से बिलोंग करते हैं तो आपको एक बार यहाँ पे आके जरूर विजिट करना चाहिए। तो चलते हैं अंदर में क्या मिलता है हमें, तो आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं साई मोटर्स, जो कि हमारे सिलवासा में पड़ता है। और आज रिव्यू करने वाले हैं पल्सर 150 एडिशन का, जिसका लुक आप खुद देख सकते हैं। और पहले एक बार डालते हैं ना झलक एक बार इसके पूरी बाइक पे, और फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रंट में आपको कोई भी बदलाव देखने को मिलेंगे नहीं दोस्तों, जो BS4 में आते थे मॉडल और जो UG5 का पहले का जो स्टिकरिंग था, दो कलर मिलते थे ब्लू में और रेड में, तो वही सब मिलते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि BS6 गाड़ियों में, हर BS6 गाड़ियों में स्कूटी हुई बाइक को आपको इस पर रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और फिर इसमें ABS प्लेट है, इसमें सिंगल चैनल ABS रहती है। और ये डिस्प्ले की प्लेट है, जिसका डायमीटर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। और इसमें आपको MRF के नायलॉन ग्रिप के जेपर के टायर मिलते हैं, जिसका डायमीटर है 90-90-17 का, और ये ट्यूबलेस टायर है। अब आ जाते हैं पीछे की ओर, तो पीछे में आपको RLP प्लेट देखने को मिलेगी, जो कि ये है RLP प्लेट। और ये है डिस्प्ले की प्लेट, जिसका डायमीटर मैं आपको बता दूंगा। और ये भी है जेपलिन के MRF के टायर, ये MRF के टायर्स हैं, जो कि नायलॉन ग्रिप जेपर के टायर हैं। और ये बहुत ही अच्छे टायर्स हैं, और जिसका डायमीटर है 120-80-17 का। और ये ट्यूबलेस टायर हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रिपिंग देते हैं दोस्तों रोड पे। अब बात कर लेते हैं हम इसके मीटर कंसोल की, तो ये मैंने यहाँ पे चालू किया, तो कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको। ये है अपना एनालॉग मीटर और ये है अपना डिजिटल मीटर, जहाँ पे ये लाइट बल्ब जल रही है, ये ABS की लाइट है। आपको अच्छे से लाइट दिखा दूँ मैं, ये ABS इस पर लिखा हुआ है। और ये पास की स्विच है, ये न्यूटन की स्विच है, और ये इंडिकेटर की स्विच है। इसमें आपको एक RPM लिमिट का भी लाइट देखने को मिलेगा, और इसमें कुछ ज़्यादा एडिंग नहीं किया हुआ है, वही BS4 मॉडल वाला दिया गया है। और एक बात मैं आपको दिखा दूँ इसमें, कि जब आप अगर किल स्विच की ऑप्शन दबाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए ये लाइट जाने लगता है, जो FI का है। लेकिन ये जब डिलीवरी हो जाएगी तो इसको बंद कर दिया जाएगा, और जब आपकी FI में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये ब्लिंक करने लगेगा, तब ये आपको पता लग सकता है कि हाँ आपके FI में कुछ प्रॉब्लम आया है। तो यही थे इनके वो। और इसमें आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा हर BS6 गाड़ी में, तो वो है इनका कैटेलिटिक कन्वर्टर, जो कि यहाँ पर है। आप देख पा रहे थे ये मोटा सा पाइप है, और ये ऑक्सीजन सेंसर है, जो कि पोल्यूशन कम करने के काम में आता है। अब आ जाते हैं हम फ्रंट की ओर, तो फ्रंट प्रोफाइल में देखते हैं हमें क्या मिलता है। वही अपना पुराना वाला हेलोजन बल्ब भी देखने को मिलेंगे, और ये वाइजर वही देखने को मिलता है, और दो पायलट लैंप देखने को मिलते हैं, जो कि पल्सर के 150 सीरीज़ को बहुत ही शानदार लुक और अट्रैक्टिव लुक देते हैं, जो हेलोजन के ऊपर है। और अब स्विच की ओर आ जाते हैं, तो इसमें आपको पहले वाला ही स्विच देखने को मिलता है, जो कि हॉर्न का है। ये इंडिकेटर्स के हो गए, ये हाई बीम लो बीम, और ये पास स्विच, ये ब्रेक हो गया। और राइट में आपको देखने को मिलेगा किल स्विच, और ये इसका स्टार्टर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और ये आपको क्लच है। और इधर नीचे में आ जाते हैं, तो इसमें आपको कीक स्टार्ट नहीं मिलता है, UG5 में आपको कीक स्टार्ट नहीं मिलेगा। और इसकी ये ब्रेकिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और आ जाते पीछे की ओर, तो इसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेंगे, जिसकी कुशनिंग सॉफ्ट है, और पीछे की थोड़े क्लियरेंस के लिए भी अच्छी सीट बनाई गई है।
वहीं आपको स्प्लिट ग्रैबरिल्स देखने को मिलेंगे, और इनका ये जो लाइट है वो भी एलईडी है। टेल सेशन ये देखिए, ये इंडिकेटर से जो कि ये भी हेलोजन ही है। अब आपको पीछे के इंडिकेटर्स दिखा देते हैं जल्दी। ये पीछे में भी वही हेलोजन ही बल्ब देखने को मिलेगा, और इसमें आपको लेफ्ट और राइट लेफ्ट दिखाइए, ये भी जलता हुआ आपको नज़र आएगा उस साइड का। ये इस साइड के हो गए। पल्सर की आपको 3D ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लुक करती है, और साथ में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेंगे जो कि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और ये इसके ग्रैबरिल भी, और ये 150cc की है। अब बात कर लेते हैं हम इसके इंजन की, तो ये इसकी इंजन की बात करूँ तो ये 149.5cc की आती है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 14 PS, और ये 8500 RPM पर जनरेट करती है। मैक्स टॉर्क की बात करूँ तो ये 13.25 न्यूटन जो कि 6500 पे और RPM पे ये जनरेट होती है, और इसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूलेड 2 valve और चेन स्पॉकेट और सेल्फ स्टार्ट इसमें मिलता है। दोस्तों ये FI होने के कारण इसमें आपको 4-stroke 2 valve ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लायंट DTSI FI इंजन देखने को मिलता है। और इसकी बात करूँ ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं, जो कि अपने सेगमेंट में 150cc में इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकने वाली बाइक ये है स्प्लिट सीट, और इसको बहुत लोग अट्रैक्ट करते हैं इस पर। अब थोड़े पीछे की ओर आ जाते हैं तो इसमें आपको कोई भी चेन काउल देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें नेकेड बिल्कुल देखने को मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्ट करता है ये। अब सस्पेंशन की बात करूँ रियर सस्पेंशन की, तो इसमें आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर गैस फिलेट विद कंसिस्टर के साथ मिलेंगे, और फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल फोर्क देखने को मिलेगा। बता दूं कि आपको इसमें बहुत ही मजबूत और वाइड सस्पेंशन देखने को मिलते हैं फ्रंट में, और ये बहुत ही मजबूत है कि आप अगर ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं कहीं पे, या फिर बहुत दूर के लिए जाते हैं लॉन्ग टूर पे, तो ये आपको झटके नहीं देंगे, बार बार गड्ढे में आपके गड्ढे नहीं मिलेंगे। और इस पर टैंक की बात करूँ, अगर हम इसके फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 15 लीटर का टैंक देखने को मिलेगा, और लेंथ की बात करें तो 2035 mm का इसमें आपको लेंथ देखने को मिलेगा, और वाइड की बात करें तो 750 mm का वेट देखने को मिलेगा, और हाइट की बात की जाए तो 1115 mm की देखने को मिलेगी, और जिसकी वेल बीस रहने वाली है कि 1345 mm, और जिसकी वेट है 150 किलो, और इसका टैंक काउल देखने को मिलेंगे इस पर, और इस पर आपको टैंक पैड देखने को मिलती है जो कि बहुत ही शानदार और स्टाइलिश लुक के साथ आती है, और ये बहुत ही अच्छी है। हाँ तो गाइस आप देख रहे हैं ये ABS की प्लेट जल रही है और ये न्यूटन में है, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगी, और ये आपको FI की स्विच देखने को मिलेगी। तो आइए अब इसके एग्जॉस्ट नॉट को सुनते हैं, अगर हम स्विच को स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बहुत मुझे पसंद आती है पल्सर की, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर देता है कि जब हम चालू करते हैं तो इसमें लाइट जलने लगता है, जो अब वाइट में जलती है और पहले ब्लू में जलती थी BS4 में, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा रिफाइनमेंट कर दिया गया है इंजन को, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है। आपको कैसा लगता है पल्सर की ये एग्जॉस्ट ज़रूर बताना कमेंट में, और बढ़ते हैं आगे की ओर। और पल्सर की दोनों सीरीज आती है 150 में, तो दोनों में ही आपको स्प्लिट हैंडल देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही शार्प लुक देते हैं, और ये बहुत ही मस्कुलर डिज़ाइन के साथ आते हैं। तो ये आपको कैसी लगती है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये बाइक कैसी लगती है वो भी आप ज़रूर बताना कमेंट में। हाँ तो दोस्तों यही कुछ चेंजेस थे जो पल्सर द्वारा किए गए हैं। अगर आपके पास भी पल्सर है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। और अपने दोस्त को कोई लेना होगा आपके तो उसको शेयर कर देना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब गांव में। सबसे पहले मैं मेघर भाई को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमें बहुत मदद करते हैं वीडियो बनाने में, और ये अपनी गाड़ी देते हैं। अगर आप गुजरात के सिलवास से बिलोंग करते हैं तो आपको एक अच्छे ऑफर के लिए सिलवास में बिलोंग करना चाहिए,
और विजिट करके देख लीजिए एक बार, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा एड्रेस और इसका नंबर दे दूंगा जो साई मोटर से सिलवास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित भाई और जिन्होंने हमें आप गाड़ी दी, और इसका एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस मैं स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा दोस्तों, और ये नंबर आपको दे दूंगा मैं। तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखें, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे रस्सी कर दी गई है और कुर्सी रखी गई है, यहाँ पे आपको दिखा दूंगा मैं, जहाँ पे एक लोग बैठ सकते हैं और थोड़ा दूर दूर में डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए बनाया जा रहा है। तो थैंक यू मेरे भाई।